आधार कार्ड के संबंध में एक बड़ी खबर सामने आई है। यूडाई ने अब बाजार से तैयार कराए गए पीवीसी आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया है। कहा गया है कि यूडाई द्वारा जारी आधार पीवीसी कार्ड ही मान्य होंगे। कोई भी व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क अदा कर यह आधार कार्ड अपने घर पर मंगवा सकता है। यूडाई ने एक ट्वीट करके बाजार से बनवाए गए पीवीसी आधार कार्ड के अमान्य होने की जानकारी दी है। आधार कार्ड आज के दौर में अत्यंत जरूरी दस्तावेज बन गया है। लगभग सभी जरूरी कामों में इसकी आवश्यकता होती ही है। इसलिए अगर आपने भी पीवीसी आधार कार्ड अपनी नजदीकी दुकान से बनवाया है तो इसे फौरन ही बदल लीजिए और नए के लिए यूडाई में अप्लाई कर दीजिए। कुछ दिन पहले यूडाई ने ही आधार पीवीसी कार्ड जारी किया था। एटीएम, ऑफिस आई कार्ड या डेबिट कार्ड साइज का होने के कारण इसे जेब या पर्स में रखना बहुत ही आसान है। इसमें सिक्योरिटी के कई फीचर्स हैं, जैसे पीवीसी आधार में क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी पहचान का तुरंत सत्यापन किया जा सकता है। लेकिन गड़बड़ी तब हुई जब लोगों ने अपनी सहूलत के हिसाब से यूडाई से पीवीसी आधार कार्ड मंगवाने के बजाय अपने पास के ही दुकानों से इसे बनवा लिया। इस तरह के आधार कार्ड में सुरक्षा फीचर्स नहीं होते हैं और यह असुरक्षित होता है। इसलिए यूडाई ने अब खुले बाजार से पीवीसी आधार की कॉपी को न इस्तेमाल करने की सलाह दी है। यूडाई ने ट्वीट में कहा, हम बाजार से पीवीसी आधार की कॉपी के उपयोग का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कोई सुरक्षा विशेषता नहीं होती है। आप 50 रुपए जीएसटी प्लस स्पीड पोस्ट शुल्क सहित का भुगतान करके आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। यूडाई ने कहा कि uidai.gov.in से डाउनलोड किया गया आधार या आधार लेटर या एम आधार प्रोफाइल या आधार पीवीसी कार्ड जो यूडाई की ओर से जारी किया गया हो उसे ही आधार कार्ड से जुड़े कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले अपडेट के साथ।